दोस्तों, क्या आपने कभी लोहे में डिजाइन बनाने वाली इस मशीन को देखा है? जो ये मशीन बहुत ही आसानी से लोहे में कैसे लोहे को काट कर डिजाइन बनाती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि फ्रेम के जरिए पहले तो तैयार किया जाता है और फिर लोहे को काट कर उसमें डिजाइन कंप्लीट कर दी जाती है। और जेसीबी को भी देख लीजिए, जिसमें नीचे थैला लगा होता है और ये मिट्टी इस थैले में जाती है और उसके बाद ये थैला पैक हो जाता है। और फ्रूट को छीलने वाली इस मशीन को भी देख लीजिए, जिसमें ये मशीन बहुत ही आसानी से फ्रूट को कैसे छील देती है। और लोहे के पाइप को बनाने के लिए आप इस मशीन को भी देख लीजिए, जो कितनी आसानी से इतने बड़े लोहे के पाइप को कंप्लीट कर देती है। जाल बनाने वाली आप इस राउंडिंग मशीन को भी देख लीजिए, जो राउंड होके कैसे स्टेप बाय स्टेप जाल को क्रिएट करती है। आपके स्प्रिंग तो बहुत सी काम आती होंगी, लेकिन आप देख लीजिए स्प्रिंग कैसे बनाई जाती है। अब चाहे छोटी स्प्रिंग हो या बड़ी, सबका काम एक ही जैसा होता है। और दोस्तों, लकड़ी के आप इस शेप को देख लीजिए, जिसमें ये मशीन लकड़ी के शेप को क्रिएट करती है। और दोस्तों, लोहे के पाइप को इस मशीन में डालने के बाद इस मशीन के उस तरफ ये पाइप कुछ ऐसा निकलता है। लकड़ी को चिरने फाड़ने की जरूरत भी नहीं, ये मशीन कुछ ऐसे फाड़ देती है। और मेटल के इस रॉड को कुछ ऐसे डिजाइन किया जाता है, जो काफी ज्यादा हॉट डिग्री में कंप्लीट किया जाता है। रोड को साफ करने के लिए आपने वाटर स्प्रे तो जरूर देखा होगा, जो बहुत ही आसानी से रोड को साफ कर देती है। और नूडल्स को निकालने वाली इस मशीन को आपने नहीं देखा होगा, जो एक बार में काफी सारे नूडल्स निकाल देती है। फ्लैश प्रिंटिंग आपने शायद ही देखी होगी, जो इस कीबोर्ड के ऊपर फ्लैश प्रिंटिंग हो रही है, ये बहुत ही फास्ट काम करती है। ऐसा वीडियो बहुत ही कम देखने को मिलता है, जैसा कि आप इस वीडियो में इस मशीन को देख लीजिए, जो पेंट बहुत ही जल्दी करती जा रही है। जमीन को साफ करने वाली ये कूड़ा मशीन है, एयर प्रेशर के जरिए साफ किया जाता है। और सिलने वाली ये मशीन ऐसी दिखती है जैसे लगता है कोई रोबोट हो या फिर कोई ट्रांसफार्मर, बहुत ही तेजी से काम करती है। मुझे लगे अभी इस लोहे को फ्लेश के जरिए कैसे साफ किया जाता है। और जाल कैसे क्रिएट की जाती है, जो हमारे घर के आसपास लगी होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।